सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं, मैं अपने चैनल के बारे में बात करूंगा। जब से मैं इंस्टाग्राम में आया हूं, मुझे इंस्टाग्राम में आए हुए मेरे ख्याल से बहुत साल पहले मैंने इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया था, मैं भूल गया, ठीक है। फिर मैंने एक दोबारा अकाउंट बनाया, खैर वो मैंने फिर कैंसिल किया, मैं देखा पुराना मेरा एक अकाउंट है। तो मैं जब से इधर मेरे ख्याल से मुझे 40-50 दिन हुए होंगे इंस्टाग्राम में एक्टिव हुए, तो मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए बहुत, ठीक है। मतलब बहुत बढ़ गए का मतलब है वो 40 के करीब ऐड हो गए एक महीने में, 35-40 सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि मेरा चैनल है क्या, ठीक है। द पॉइंट इज़ मेरे चैनल को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अजीब किस्म का चैनल है। वैसे इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, यू नो, द चैनल वाज अबाउट स्पिरिचुअलिटी ओनली। मैंने आई थॉट दैट आई शुड मेक वीडियोस ऑन स्पिरिचुअलिटी ओनली। मैं हिंदी में थोड़ा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग हिंदी में ज़्यादा समझते हैं, ये रीच आपकी आसान रहती है। वैसे मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है भी नहीं, खैर सुनिए। द पॉइंट इज इनिशियली व्हेन आई मेड इट, यू नो, इट वाज आई थॉट आई विल बी मेकिंग अ चैनल। एंड व्हाई आई मेड अ चैनल, यू नो, द सिंपल रीजन इज बिकॉज आई थॉट आई हैव समथिंग डिफरेंट इन मी, दैट इज़ द मेन रीजन। मेरे में कुछ अलग है, इसीलिए मैंने चैनल बनाया, और मैं कुछ अलग जानता हूँ शायद, मुझे ऐसा लगा और ऐसा है भी, ठीक है। इसीलिए मैंने चैनल बनाया, नहीं तो कोई चैनल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। द रीज़न इज़ आपके पास अगर कुछ ऐसा है जो कि अलग है, वो आपको दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि आपके रहे ना रहे आपका चैनल शायद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि सर्वर काम करते रहेंगे, लेकिन वो भी एक मुझे मालूम है कि यूट्यूब के सर्वर एक समय तक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ परमानेंट यहाँ पर नहीं है। खैर, मैं इस चीज़ की बात करूँगा कि मैंने जब ये चैनल बनाया तो ये स्पिरिचुअल चैनल बनाया था। मैंने सोचा स्पिरिचुअलिटी ही इसमें पूरा डाला जाएगा, और जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मालूम है जो कि शायद एक सामान्य मनुष्य से थोड़ा हटके हैं, आई नो दोज थिंग्स, सो आई विल बी लेटिंग द वर्ल्ड नो अबाउट इट। ओके, सो द पॉइंट इज स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसपे बहुत कम लोग जाते हैं। ओके, वो आप भजन सुन लेंगे, आप कीर्तन सुन लेंगे, लेकिन आप आध्यात्मिकता पे तभी जाते हैं जब आप बहुत मैच्योर होते हैं, या आपने बहुत सारे कई, यू नो, जब आप इस सब चीज़ों से बोर जाते हैं द नॉर्मल वर्ल्ड से, तब आप उस तरफ जाते हैं। वही मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ तभी बढ़ते हैं जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। सो अभी इंडिया में तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, इसलिए फॉरेनर्स ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और हमेशा से ऐसे ही रहा है, क्योंकि उनके पास वो आर्थिक रूप से संपन्नता उन्होंने देखी है, तो उन्हें पैसे का मोह नहीं है। ओके, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मनी इज समथिंग, सो दे जनरली कम टू इंडिया फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओके, इसका यही एक कारण ही है। खैर, उसके बाद होता ये है कि जब चक्र जागरण होता है तो भूख ज़्यादा लगती है, तो भूख ज़्यादा लगने से मैंने वो जो खाने के जितने आप वीडियोज़ हैं, वो खाने वाले वीडियोज़, थैंक्स टू स्विगी जोमेटो को धन्यवाद कि घर पर डिलीवरी शुरू कर दी, तो ज़्यादा तो खाना खाना वो खाया, तो खैर जो भी कुछ खाया पिया उसका भी वीडियो बना दिया। ओके, तीसरा है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ या कोई मैं कोई नई चीज़ देखता हूँ, जैसे अभी आप फास्टैग देख रहे हैं, कोई नई चीज़ हो रही है या कोई चेंजेस हो रहे हैं या कोई चीज़ प्रैक्टिकल मतलब लग रही है, टेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी है, वो चीज़ चल रही है, तो मैं उस पर भी वीडियो में कुछ ना कुछ बता देता हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है। तो मोटे मोटा अगर आप या मैं कभी डांस करने लगता हूँ, ये सब चक्रों की वजह से, इट इज़ बिकॉज ऑफ अनाहत। ओके, द क्रिएटिविटी इज़ ऑन, यू नो, अब क्रिएटिविटी जब आपकी बढ़ती है जब चक्र जागरण में, तो इट इज़, यू नो, मल्टी डायमेंशनल, वो एक डायमेंशन पे नहीं चलेगी कभी कि आप एक चीज़ करोगे ना, इट विल बी मल्टी डायमेंशनल। तो इसमें आप अगर डांस देख रहे हो, कभी आप कुछ देख रहे हो, खाना देख रहे हो, कभी आप आध्यात्मिक प्रवचन सुन रहे हो, कभी आप कुछ देख रहे हो, कभी आप मार्केट देख रहे हो, कभी आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ देख रहे हो, सो इट इज़ अ मिक्सचर, नेचुरली खिचड़ी चैनल आप इसे कह सकते हैं। ओके, और एक खिचड़ी चैनल को चलाना बड़ा कठिन होता है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आप एक चीज़ पर वीडियो बनाओ तो आपको एक तरीके, यू नो, सब्सक्राइबर्स मिलते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अब दो वीडियो उसके डाले, तीसरा इसको डाला, तो उसके समझ में आया, अरे तो पता नहीं दूसरा चैनल है, मैंने इसको कुछ और समझ के सब्सक्राइब किया। कभी मैंने, आपने देखा होगा, इंटरव्यू, SSB और पता नहीं सिविल, टेट, सबके ही पेपर हल करके मैं इसमें डाल देता हूँ। ओके, सो इट इज़, यू नो, अ मिक्सचर, और यू कैन से इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन और अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, व्हाट्सएवर कम्स टू माई माइंड, इट्स नॉट दैट व्हाट्सएवर कम्स टू माई माइंड, इट इज़ whatsoever practical and useful comes to my mind, you know, that I am actually sharing with you. Okay, so that you can get a benefit out of it. Okay, abhi mere dekhiye mera jo subscriber base hai, main kabhi nahi kehta do subscribe my YouTube channel, kabhi kehta hu, main kehta hu, matlab main waise bhejta rehta hu, Instagram mein bhejta hu, usme Facebook mein bhejta hu, ya kisi ko personally bhej deta hu, do subscribe my YouTube channel, message karta hu, बट मैं अपने चैनल पे अपने वीडियो के बाद में कभी बोलता नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी गलती है, मुझे बोलना चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो। बट द पॉइंट इज़ मैं थोड़ा दूसरे तरीके से सोचता हूँ,
What I think is, if your content is strong enough, you know, people will come to you. They have to listen. They are bound to listen because you are not going to get that content anywhere else. Okay, मेरे videos के जो content है, you will not find anywhere. जो मेरे original videos spirituality के हैं, वो तुम्हें content ही कहीं नहीं मिलेगा. तुम ढूंढ लो किसी भी चीज़ में. So the point is, if you have that content, you know, which is not available anywhere, naturally people have to come to you. Okay, it's not arrogance. It is practicality. So you have to come to seek. Lastly, you have to come. Okay, because that is the only point, you know, because spirituality is the only point from where this world started and it is going to end out there only. So the fact is that this is what my channel actually is. That yes, you should subscribe it. I am telling you honestly. आप इसको सब्सक्राइब करो, आपके समझ में ना आए कुछ बात सुनो समझो करो और उसको थोड़ा सा देखो. क्योंकि देखिए मेरा क्या है, सब्सक्राइबर बेस मेरा क्या है, LPS के जो बच्चे जितने भी लखनऊ पब्लिक कॉलेज में मैंने 5 साल पढ़ाया उसके कम से कम 300-400 सब्सक्राइबर तो उसी के हैं. बाकी 100-200 जो सब्सक्राइबर्स हैं कुछ उसमें से 10-5 रिलेटिव्स होंगे. बाकी मेरे बेसिक के टीचर्स के हैं, ठीक है, वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं. और बाकी मेरे जो कुछ नए नए बनते रहते हैं वो वीडियोज़ देख देख के शेयर करके आप करते हो, ठीक है. तो इस तरीके से अभी जो जनरली मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बच्चे हैं मेरे जनरली. ओके, दे आर वेरी यंग. वो कितने साल के, वो 18-20-25 साल तक के बच्चे हैं मोस्टली. और जो मतलब अगर आप मेरा चैनल का एनालिसिस देखेंगे, जो वीडियोस देखने में 15-20% जो एज है वो 54+ है, 45-54. बाकी सब उसके ऊपर वाले हैं. फीमेल बढ़ती घटती रहती है डिपेंडिंग ऑन द वीडियो, कभी 20% हो जाती है, कभी 10%, कभी 5%. सो इट डिपेंड्स. और इसीलिए मुझे ये थोड़े बहुत कभी कभी अपने यू नो ये जो खाने वाने वाले वीडियोस हैं मैं डालता हूँ, बिकॉज जो यंग बच्चे हैं वो कहाँ तक स्पिरिचुअलिटी सुनेंगे मेरे, तो थोड़ा बहुत उनको. और मैं भी एक चीज़ पर वीडियो बनाते बनाते थोड़ा बोर भी महसूस करता हूँ कभी कभी, क्या स्पिरिचुअलिटी है ना. तो एवरीथिंग इज दैट इज़ यू नो उसका थोड़ा सा एक सभी चीज़ों का निचोड़ इधर डाल दिया, ठीक है. सो इफ़ यू आर देयर रिमेन देयर, ओके, नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. There is no doubt. Okay? So do subscribe, do like, and do comment, and do share. Thank you.